वेलकम टू ऑल वी क्लास 7A and B स्टूडेंट्स आर देयर टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कनेक्टेड टू अवर डेली लाइफ दैट इज यू रिपीट विद मी फाइंडिंग रेंज एंड मीन ऑफ डेटा यू प्लीज रिपीट विद मी फाइंडिंग रेंज एंड मीन ऑफ डेटा सो वट इज देयर वन एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ पीटी सर हमको एक हाइट नापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया है क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि 10 बच्चों का 5 गर्ल्स और 5 बॉयज का हम हाइट मेजर करेंगे ठीक हो गया उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि रेंज क्या होता है और डेटा का जो मीन होता है अरिथमेटिक मीन क्या होता है दैट इज द एवरेज ये हमने निकालना है ठीक हो गया तो द एंट्री इज डन द ऑब्जर्वेशन एंट्री इज डन बाय अक्षत मिश्रा जिया पांडे एंड लक्ष्मण मेहता लक्ष्मण सिंह गेड़ा एग्जैक्टली दे विल बी हेल्पिंग आउट द स्टूडेंट In measuring their heights, the student will know their height and they will tell their name and height. And in accordance with that, Akshat Mishra will note that down and then we shall see what happens. My name is Zainab Bhatt. My height is 137. Centimeter. 137 centimeter. Yes. Mm. centimeter. Correct. Okay. हाँ दोबारा मेजर करो बेटा उसमें खड़े होना है आपको जो लंबा बार आया उसमें खड़े होना है इसमें Hi, I am Dr. Joshi. My height is 137 centimeter. 149 centimeter. My name is Priyanka Mehta. My height is 149 centimeter. ऐसे सर में करके चलाया तो 140 centimeter. बताओ. निलेश कवार. My height is 147. Hello, my name is Jessica. My height is 157 centimeters. Hi, my name is Abhita Jari and my height is 148 centimeters. Hi, my name is Gaurav Chandan. My height is 153 centimeters. I think there is some correction. Stand again there. नाव देख रहे हो वहाँ पे ऑल 10 स्टूडेंट्स आर देयर हाउ मनी आर देयर नाव 11 आर देयर ओके नो प्रॉब्लम 11 स्टूडेंट्स आर देयर तो सबसे ज़्यादा हाइट मीन्स अगर आप ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा हाइट इस समय किसकी दिखाई दे रही है गौरव चंद और सबसे शॉर्टेस्ट में कौन आ रहा है ठीक हो गया कोई ठीक हो गया वेट होल्ड ऑन सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेंज रेंज का मतलब है बेटा हाइएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट डेटा डेटा का मतलब क्या होता है डेटा का मतलब जो चीज़ हमने कलेक्ट करी नंबर्स में सपोज हमने यहाँ पर क्या डेटा कलेक्ट किया प्राइमरी डेटा हमने कलेक्ट किया क्या हाइट ऑफ 11 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7A and B ठीक हो गया तो रेंज का मतलब क्या है हाइएस्ट डेटा में की वैल्यू में से लोएस्ट डेटा की वैल्यू को क्या करना है माइनस करना है सबट्रैक्ट करना है तो आपका मिल जाएगा रेंज तो अक्षत कैन यू टेल वन सेकेंड रिपीट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर हाइट्स सर नैना पंत 137 सेंटीमीटर प्रियांशी 150 सेंटीमीटर दीपिका 150 सेंटीमीटर नेहा मेहरा 153 सेंटीमीटर प्रियंका मेहता 149 सेंटीमीटर दक्ष जोशी 137 सेंटीमीटर नीलेश पवार 140 सेंटीमीटर हर्षद भट्ट 147 सेंटीमीटर आदित्य ग्रहारी 148 सेंटीमीटर निशांत कुमार 152 सेंटीमीटर एंड गौरव चंद 153 सेंटीमीटर ओके एवरीवन क्लैप फॉर ईच एंड एवरीवन एंड
एंड टेक योर सीट्स एंड टेक योर सीट्स. लिखा 10 स्टूडेंट्स का हमारी क्लास के कंबाइंड क्लास का. ठीक हो, रेंज का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा. तो 153 सेंटीमीटर गौरव चंद और नेहा मेहरा एंड नैना पंत 137 सेंटीमीटर आ रहा था हाइट, जो कि बातें बढ़ भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो रेंज निकाला तो हमने 153 माइनस 137 दैट इज 16 सेंटीमीटर. अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की. ठीक हो गया, अरिथमेटिक मीन का मतलब अब देखते हैं. व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन. और समटाइम वी यूज द अदर वर्ड. व्हाट इज द अदर वर्ड? एवरेज. हिंदी में औसत भी कहते हैं, कोई सिंपली मीन कह देता है, कोई अरिथमेटिक मीन कहता है. ठीक हो गया, तो सिंपल सी बात है, 10 लोगों का डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, राइट? Yes, तो आपने सारे नंबर्स को ऐड करके कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? कितनी ऑब्जर्वेशंस थी? 10 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है, तो 10 से डिवाइड किया मैंने. ठीक हो गया, तो इसको आके लिखो बेटा यहाँ पर. ऑब्जर्वेशंस OBSERVATIONS divided by everyone number of observations, exactly. So he has noted down the 10 observations, he is adding them. आप भी अपने नोटबुक में ऐड करो, रफ नोटबुक खोल रखी सबने, ऐड करो, देखते हैं सही मैच हो रहा है कि नहीं, दिशांत का कैलकुलेशन और हमारा कैलकुलेशन मैच होता है कि नहीं. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आया वहां पर लिखो फिर. अब क्वेश्चन को कंप्लीट करो, सॉल्यूशन को. 1464 डिवाइड बाय हाउ मनी? 10. तो जब हम 10 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल को राइट प्लेस से एक स्टेप लेफ्ट की तरफ को लगा देते ना, तो कितना आ जाएगा? 146.4 सेंटीमीटर. दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर विच एवरी स्टूडेंट डू. व्हाट यू हैव डन, उसने क्या किया, डेसिमल ऊपर लगा दिया, नहीं करना चाहिए था वहाँ पे. सेंटीमीटर भी लिखो, यूनिट के बिना कुछ नहीं है. और उस डेसिमल को हटाओ वहाँ से जो गलत कर रहे थे तुम, हटाओ उसको. ठीक हो गया, एक बार यहाँ खड़े हो जाओ.